हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो IOCL की तरफ से। दोस्तों, IOCL में ITI डिप्लोमा वालों के लिए विभिन्न पोस्टों में रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई थी, जिसकी की आंसर की रिलीज कर दी गई है। तो इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी आंसर की कैसे देखना है और रैंक कैसे आपको चेक करना होगा, और सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव रिफाइनरी और पाइपलाइन डिवीजन में आया था। तो आप जो अपनी आंसर की देख सकते हैं 3/10/24 से लेके 5/10/24 तक, 5/10/24 के बाद आप अपनी आंसर की नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसके एग्जामिनेशन दिए वो जल्दी से इसका आंसर की डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं कि सर मैं अपनी आंसर की नहीं देख पाया हूँ, तो मेरे कितने मार्क्स हैं, तो फिर आप बाद में नहीं देख पाएंगे। तो क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक पर क्लिक कर देते हैं। पहले जैसे ही आप सर्विस फिल करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन डिटेल्स, हेल्प डेस्क, ऑब्जेक्शन फॉर्म, कैंडिडेट रिस्पांस। तो कैंडिडेट रिस्पांस पर क्लिक करके आपको आंसर की डाउनलोड कर लेनी होगी। जैसे ही कैंडिडेट रिस्पांस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है तो डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट IOCL 29/7/24 को जो एग्जामिनेशन हुआ था, ये जो आंसर की है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर PU O&M की आंसर की है। तो क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे छोटा सा जो ब्लू कलर में दिया हुआ है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कौन सा ऑप्शन सही है, प्रिंट पर क्लिक करके आंसर की प्रिंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपको रैंक कैसे चेक करना होगा। तो सिंपली ये जो आपको URL देखने को मिलता है, ये URL कॉपी करना होगा, ये तो इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको कॉपी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए कॉपी हो गई। रैंक चेक करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑल एग्जाम रिव्यू की आंसर की रिस्पांस की चेक करने के लिए लिंक है। तो यहाँ पे आपको रिस्पांस की URL पे कॉपी करना होगा। ऐसे हम यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको रिजर्वेशन यदि आपको है तो रिजर्वेशन पर क्लिक करके रिजर्वेशन सेलेक्ट करके, नहीं है तो नो पे रहने देंगे। उसके बाद चेक पर क्लिक कर देते हैं। चेक पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अटेम्प्ट कितने आपने क्वेश्चन किए हैं, अटेम्प्ट करेक्ट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं। यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग थी, इसलिए जितने आपने करेक्ट क्वेश्चन किए उतने आपके नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन वाइज नंबर भी देखने को मिल जाते हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस में कितने मार्क्स थे। अब बात कर लेते हैं आपको रैंक कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर चेक योर रैंक पर क्लिक करना होगा, तो क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम रैंक 97 है आउट ऑफ 131, कैटेगरी रैंक भी देखने को मिल जाती है, ब्रांच टॉपर कितने स्कोर हैं 75 है, ब्रांच टॉपर की शिफ्ट वाइज रैंक 97 दी हुई है, 131 में कैटेगरी टॉपर में 75 है। यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार आप अपना आंसर की और एग्जाम रैंक और टोटल कितने मार्क्स सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक वीडियो देनी थी, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक नमस्कार।